चार धाम यात्रा बहुत करीब आ चुकी है, जिसको लेकर लगातार तैयारियां हो रही हैं। मंदिर परिसर से लेकर रास्ते और हाईवे भी दुरुस्त किए जा रही हैं। सड़क के चौड़ीकरण का काम भी तेजी से हो रहा है। वहीं लगातार हो रहे सड़क चौड़ीकरण से जगह जगह पर मलबा भी गिर रहा है। चट्टानों का बार बार गिरना सड़क पर आवाजाही कर रहे लोगों को भी डरा रहा है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ नेशनल हाईवे चमोली बाजपुर के पास एक चट्टान टूटकर सड़क पर आ गई, जिसे देखने वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। वहीं स्थानीय लोगों ने शासन प्रशासन पर इसका ठीकरा फोड़ा। आपको बता दें कि इस जगह पर कई बार चट्टान गिरती रहती है, जो कि आगामी यात्रा सीजन में भी एक बड़ा खतरा साबित हो सकती है। वहीं ये भारी चट्टान आने से मार्ग बंद हो चुका है और रूट भी बदल दिया गया है, जिसके चलते गाड़ियों की आवाजाही नंदप्रयाग से डाइवर्ट करके चमोली कर दी गई है, ताकि आवाजाही कर रहे लोगों और यात्रियों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। वहीं मौके पर पुलिस को भी तैनात कर दिया गया है। आगामी चारधाम यात्रा के लिए ये रूट काफी व्यस्त रहने वाला है। अगर इस जगह को जल्द से जल्द दुरुस्त नहीं किया गया तो आने वाली यात्रा में ये मार्ग रोड़ा भी बन सकता है। वहीं आपको बता दें कि हफ्ते भर में चारधाम की यात्रा शुरू होने वाली है और ऐसे में अब इस रूट पर ज्यादा गाड़ियां दौड़ना शुरू हो जाएंगी। वहीं प्रशासन पर भी स्थानीय लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। फिलहाल चमोली के बाजपुर में ये नेशनल हाईवे बंद हो चुका है। ऐसा खोलने की कवायद भी शुरू की गई है। चमोली से कमल लैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड टाइम्स।